आप सबको नमस्कार। फिजिक्स का एक लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। यह आपको कक्षा छठी से लेकर दसवीं तक जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर उन्हें हम डिस्कस करेंगे, और कुछ जो बारीकी पॉइंट होते हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, बिल्कुल बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर मोशन एंड टाइम, गति और समय। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो ये शब्द मोशन है हमारे पास, मोशन कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी आंखों को ऐसा लगे कि वो चल रही है। जैसे मान लो एक बच्चा है छोटा, उसने कोई मान लीजिए कोई जैसे कि कोई कंचा फेंक दिया, वो रिगड़ता जा रहा है, बाइक का चलता हुआ टायर, ट्रेन का चलता हुआ टायर, पंखा हमारे घर का, कोई बच्चा अपने पेन को चला रहा है, अपनी उंगलियों से घुमा रहा है, ये सब क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। मतलब अगर कोई चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, मान लीजिए देखिए कोई भी चीज़ अगर यहाँ पड़ी हुई है, वो उठ के इधर आ गई है, तो इसमें भी मोशन हुआ है। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ आपके चल के आई है, तो इसमें भी क्या था? उसका एक मोशन था। तो मोशन आपका कोई स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, और समय समय में भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे मान लीजिए कि जैसे कि हर 5 मिनट के बाद में देखा होगा बच्चों की जो जब हम वो पीछे से घंटी घुमाते हैं तो वो घूमना चालू कर देता है, फिर वो रुक जाता है, फिर घंटी घुमाते हैं, तो वो भी पीरियोडिक है। हमारे पंखे का चलना, ठीक है जी। तो मोशन क्या है? सबसे पहले गति किसी भी चीज़ में हो सकती है, ठीक है, आप समझिए मोशन सब शब्द क्या है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मोशन या तो धीरे होगा या मोशन तेज होगा, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है। उसकी स्पीड फास्ट भी हो सकती है, उसकी स्पीड आपकी स्लो भी हो सकती है। तो इट इज़ ए कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट सम अदर इज फास्ट। कुछ का तेज होता है, कुछ का क्या होता है? धीरे होता है। आगे आते हैं शब्द स्पीड के ऊपर। देखिए, शब्द तो बहुत छोटा है, स्पीड हम कॉमन डे टू डे लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। हम कहते हैं जी उसकी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ थी तो एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत तेज गाड़ी चलाता है, या उसकी गाड़ी की स्पीड बहुत कम होती है तो वो बहुत लेट से पहुंचता है। तो बेसिकली स्पीड है क्या? जब आप किसी भी निर्धारित डिस्टेंस को कवर करते हैं कुछ समय के अंदर, उसे कहते हैं हम आपकी स्पीड। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन ए शॉर्टर टाइम। अगर आपकी स्पीड तेज है तो आपने किसी भी डिस्टेंस को कम समय में कर दिया होगा, और अगर आपकी स्पीड धीरी है तो आपने उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम लिया होगा। तो यहाँ पर हमने पहले चीज़ समझी कि मोशन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हमने समझा कि स्पीड क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप किसी भी डिस्टेंस को निर्धारित समय में जब तय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपकी स्पीड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने कभी कभार देखा होगा कि कोई वाहन है या कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल एक स्ट्रेट चल रहा है, ना वो इधर हो रहा है ना वो उधर हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ना उसकी स्पीड चेंज हो रही है ना उसे कुछ फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल वो स्ट्रेट चल रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और मान लीजिए उसकी स्पीड टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी है बिल्कुल, तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको मैं इसको एक पिक्चर से दिखाता हूँ। देखिए, ये वाला जो है ना फर्स्ट वन, ये वाली, ये है यूनिफॉर्म मोशन और ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, बिल्कुल टेढ़ा वेढ़ा जा रहा है, ठीक है। देखेंगे,
इन एवरी डे लाइफ वी सेल्डम फाइंड सम ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कहते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर चीज़ों को देखते हैं जो बिल्कुल ही सीधी चल रही होती हैं, बहुत समय तक चल रही होती हैं। अगर वो इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इट्स सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म। कहते हैं अगर कोई भी चीज़ अपनी डायरेक्शन को बार बार बदल रही है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है, उसमें वेरिएशन आ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। और अगर उसमें कॉन्स्टेंट स्पीड है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका यूनिफॉर्म मोशन उसको कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। एसएससी में आपको न्यूक्लियर साइंस नहीं पढ़नी है, क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान से और आपको उनको कवर करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, देखिए टाइम को कैसे काउंट करते हैं, नापते हैं। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, समय को नापा कैसे जाता था? सूरज की मदद ली जाती थी। टाइम को नापना कोई इतना इजी नहीं होता है, गिनना इतना इजी नहीं होता है। पहले क्या होता था, हम पीरियोडिक मोशंस को सिंपल पेंडुलम से शो करते थे। ये होता है जी सिंपल पेंडुलम, ये बॉब होता है, ये इसकी होती है मीन पोजीशन, फिर ये यहाँ जाता है, फिर ये यहाँ आता है और एक ऑसिलेशन पूरा करता है, ठीक है जी। एक ऑसिलेशन क्या करता है, वो अपनी पूरी कर देता है, ठीक है जी। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक बॉल होती है मेटल की, ठीक है जी, उसे हम बॉब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बॉब। ये एसएससी में तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि वो जो मेटेलिक बॉल होती है उसे क्या कहते हैं। अभी तो नहीं पूछा जाता लेटेस्ट के अंदर, हाँ लेकिन एमटेस्ट वगैरह में पूछ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं। टू एंड फ्रॉम मोशन होता है, ठीक है जी। और जब वो एक इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाए, फिर पहली जगह पे आए, जब वो एक पूरा करता है, उसे बोलते हैं ऑसिलेशन, ठीक है। आज के टाइम पे क्या हो गया, आपने देखा होगा घड़ियों के अंदर आजकल डिजिटल घड़ियाँ आ गई हैं, सेल डालिए या आपके फ़ोनों के अंदर हैं, उन्हें बोलते हैं क्वार्ट्स क्लॉक। क्या बोलते हैं उन्हें? हम आपका क्वार्ट्स क्लॉक बोलते हैं। क्वार्ट्स क्लॉक में क्या होता है, वो आपको जो टाइम बताती है ना, वो बिल्कुल करेक्ट टाइम बताती है, ठीक है जी। आप देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो है और इस घड़ी की जो कंपनी है या मैं कहूँ कि जो नाम लिखा हुआ, ये लिखा क्वार्ट्स क्लॉक, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम आपको वो बताती है। टाइम की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेकंड होती है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर जब पहले सेकंड आता है आपके पास, फिर मिनट आएगा आपके पास, फिर क्या आएगा आपका? और आएगा। अभी हमने डिस्कस करा था कि स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है गिवन डिस्टेंस को जब हम कवर करते हैं पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उस दूरी को जब नापा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है आप सबको पता होगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या आता है? आपका टाइम आता है, ठीक है। अब आप कैसे नाप सकते हो? या तो मिनट लोगे, या आप सेकंड लोगे, या आप आर लोगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं मिनट पर मीटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है जी, या मीटर पर मिनट बोला जा सकता है इसको, किलोमीटर पर आर बोला जा सकता है इसको। दो ही स्टैंडर्ड होती हैं, एक होती है मीटर पर सेकेंड और दूसरी होती है किलोमीटर पर आर, ठीक है। दो ये स्टैंडर्ड होती हैं, बाकी तो आप कोई भी नाप सकते हो, फुट पर सेकंड कुछ भी नाप सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर डिस्टेंस को कवर करने का एक नया ही डिवाइस आ गया है, ठीक है जी। उसे बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? आपका ओडोमीटर। तो पूछ सकते हैं उसे क्या बोला जाता है? ओडोमीटर। ये इसकी फ़ोटो है आपके पास, ठीक है। ये हो गया आपका ओडो मीटर, ठीक है जी। अच्छा, अगर मोशन अलग स्ट्रेट लाइन होगा तो हम पढ़ चुके हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आपका यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो वो आपका क्या कहलाएगा? आपका वो आपका कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? वो कहता है एक ऑब्जेक्ट है, उसने 16 मीटर ट्रैवल करा है 4 सेकंड के अंदर और 16 मीटर ट्रैवल करा है 2 सेकंड के अंदर। कहते हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी एवरेज स्पीड क्या है। देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। जो पहला ऑब्जेक्ट है उसने 16 मीटर तय करा है 4 सेकंड के अंदर, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई? 4 मीटर पर सेकंड, डन हो गया। और जो नेक्स्ट वाला है उसने 16 मीटर तय करा है 2 सेकंड के अंदर, कितना आ गया?
8 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। चलिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अभी हमने आपको बताया कि स्पीड क्या होती है, स्पीड गति को कहते हैं, मोशन का अपर वर्जन होता है क्या आपका स्पीड, क्या होता है आपका स्पीड होता है। देखिए, अगर आपने स्पीड के साथ डायरेक्शन को भी ऐड कर दिया, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, दोबारा देखेंगे। अगर आपके पास स्पीड है, यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपके पास स्पीड है और आपने उसके अंदर डायरेक्शन भी ऐड कर दी, अब तो इसे हम क्या बोलेंगे आपका, वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रीहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विद इट्स स्पीड। अगर हम स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन को भी अब बता दें, तो उसे हम क्या कहेंगे आपका, उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दीज एसेप्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर आपका स्पीड भी है और आपकी डायरेक्शन भी है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हुआ, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है जी, मान लीजिए मैंने कोई रॉकेट ऐसे बिल्कुल ऊपर की तरफ छोड़ दिया, उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर सेकंड और वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, तो उस केस में क्या हो गया, उस केस में ये हो गया कि जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो गया, 36 हो गया। ठीक है जी, किलोमीटर पर सेकंड हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टू। इनिशियल वेलोसिटी को जो हम डिनोट करते हैं, वो करते हैं यू से, यहाँ दिया हुआ मैंने, और फाइनल वेलोसिटी को करते हैं वी से। ये आगे आपको टर्म्स अंडरस्टैंड करनी है। तो हमने पहले स्पीड समझा, अब स्पीड में हमने डायरेक्शन भी ऐड कर दी, तो क्या कहलाने लग गया आपका, वेलोसिटी कहलाने लग गया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू। ठीक है जी, आया समझ में। अब इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी भी होती है आपकी और फाइनल वेलोसिटी भी होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय में टू, यानी कि यू प्लस वी डिवाइड बाय टू इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। अगेन, जैसे स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड होता है, वैसे वेलोसिटी का भी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है आपका, मीटर पर सेकंड है। क्वाइट इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ क्वेश्चन से पहले ना। चलिए, एक स्लाइड थी वहाँ, ये रही। चलिए देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है। ये है स्पीड, ये है वेलोसिटी। अगर मैं कहूँ इसके अंदर स्पीड भी है और प्लस इसमें क्या है आपकी, डायरेक्शन भी है, तो ये बात गलत नहीं होगी। ठीक है, स्पीड रेफर्स टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। स्पीड क्या होती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को जब तय करा जाता है पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, जब आप डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये वर्ड जो है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये रहा वर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको बहुत अच्छे से मैं आपको अभी समझाऊंगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। स्पीड क्या डिटरमाइन क्या करती है, स्पीड ये डिटरमाइन करती है कि आप कितना तेज़ चलते हैं, कितनी तेज़ भागते हैं या कितनी तेज़ कोई चीज़ चलती है। वेलोसिटी क्या कवर करती है, किस डायरेक्शन के अंदर वो जा रही है। ठीक है, अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगेन मैं भी आपको समझाऊंगा व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस उनके अंदर क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे याद कर लो, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर। ठीक है, इंडिकेट क्या करता है, रैपिडिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी में क्या करता है, रैपिडिटी प्लस आपकी पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस देखा जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। वहां पर डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है, याद रखना, वेलोसिटी के अंदर कभी भी डिस्टेंस नहीं देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं।
ठीक है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो, बट वेलोसिटी कैन बी जीरो और नेगेटिव, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नेगेटिव. ठीक है, आई विल लेटर एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस द टर्म डिस्प्लेसमेंट. ओके, अच्छा देखेंगे, इधर आ गया, स्पीड कैन नॉट बी जीरो, कैन बी जीरो, हो सकती है ये. स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट मे बी नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है ना, पॉजिटिव भी रह सकती है, नेगेटिव भी रह सकती है, और वो जीरो भी रह सकती है. तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये समझा, स्पीड तो कोई तेज चीज चल रही है, और वेलोसिटी क्या होता है, जब आप स्पीड के अंदर आपने डायरेक्शन भी ऐड कर दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी. ठीक है, चलिए मैं आपको एक और टर्म समझाता हूँ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है. देखिए डिस्टेंस क्या होता है, कोई दूरी आपने तय करी है. जैसे मान लीजिए ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, आप यहाँ से यहाँ गए 40 किलोमीटर चले, फिर दोबारा यहाँ से यहाँ पर आए 40 किलोमीटर चले, आपने टोटल कितना तय करा, आपने टोटल तय करा है 80 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो हुआ. डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लीजिए कि ए बॉडी और ये बी बॉडी है, कोई बॉडी यहाँ से चली और दोबारा ही इधर आ गई, इसने डिस्टेंस तो क्या करा है, लेकिन इसने डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन और बाद वाली पोजीशन में कितना फर्क आया है. ठीक है, मान लीजिए कोई लैंप पोस्ट आपने उठाया और दोबारा 100 किलोमीटर घूम के वहीं दोबारा रख दिया, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि लैंप वहीं का वहीं पड़ा हुआ है. ठीक है, थोड़ा समझिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है. डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन होती है. अगेन मैं आपको बोलूंगा, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर आपका वेक्टर, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, डी फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कि वेलोसिटी. क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है और आपका वेक्टर है और स्केलर क्वांटिटी है. तो इन ए स्केलर क्वांटिटी हाउ मच ए ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन, वो कहते हैं कितना उसने कवर करा है, कितना वो घूमा है यहाँ से यहाँ वहाँ तक. ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हाउ फार ऑफ ए प्लेस एन ऑब्जेक्ट इज, इट इज द ऑब्जेक्ट ओवरऑल चेंज इन द पोजिशन. डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू लोकेशन. और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी, ऑन द अदर हैंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू लोकेशन. डिस्टेंस कभी भी घटता नहीं है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट सकती है. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. इसका कोई यूनिक पाथ नहीं होता, इसका यूनिक पाथ होता है. डिस्टेंस का सिंबल होता है डी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है आपका ए. स्पीड इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम. वेलोसिटी अगेन क्या होती है, अब मैंने आपको समझा ही दिया है, स्पीड के साथ हमने क्या ऐड कर दिया आपका डायरेक्शन. नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. कहते हैं एक ऑडोमीटर है कार का, वो 2000 शो करता था और उसने 2400 किलोमीटर का ट्रिप करा है. बड़े ध्यान से देखिएगा आप, देखो उसने टोटल ट्रैवल कितना करा है, 400 किलोमीटर ट्रैवल करा है. कितने घंटे में ट्रैवल करा है, 8 घंटे में ट्रैवल करा है. स्पीड निकाल ली यहाँ से, क्या होता है भैया स्पीड का फॉर्मूला, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. तो डिस्टेंस था जी आपका 400, इसको डिवाइड करा 8 के साथ, स्पीड आ जाएगी, स्पीड आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा. कितनी आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा. और मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं यार, इंटू 5/18. सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है अगला. उषा जी ने स्विम करा है एक 90 मीटर का एक पूल है. देखो भैया एक 90 मीटर का ना पूल है, ये एक पूल है, इसकी लेंथ कितनी है, 90 मीटर है. शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट. उसने ना पहले यहाँ से यहाँ गई, 90 मीटर चली, फिर यहाँ से वापस आई, और यहाँ भी कितने मीटर चली है, 90 मीटर चली है. यानी कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है, देखो भैया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा है 180 मीटर. कितने मिनट में, 1 मिनट में. तो डिवाइड बाय 60, ये कितना आ गया यहाँ पर, 3 मीटर पर सेकंड उसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई.
लेकिन अब देखो वो कहता है आप मुझे बताइए कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, या डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही था। अरे वो यार वो पेन देखो, मैं दोबारा इंक चेंज करता हूँ इसकी, देखो ब्लैक से कर रहा हूँ। देखो इस वाले केस में वो 90 यहाँ चली फिर 90 वापस चली, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा कि भैया एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। आ गया जी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है जी, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में क्या होती है आपकी इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं, उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम आगे। चलो अब देखिए, अगर आपकी वेलोसिटी में चेंज हो जाए, यानी कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्या सिंबल बताया था मैंने, यू, इनिशियल वेलोसिटी का, और फाइनली वेलोसिटी का क्या था, वी था। आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में अगर कोई चेंज ही नहीं है, यानी कि पूरी स्पीड आपकी 10 पे ही चली है, तो भैया कोई चेंज ही नहीं आया, 10 10 10 10 आप कुछ भी करेंगे जीरो आएगा। लेकिन अगर आप में चेंज आ जाता है, तो फिजिक्स में उसे कहा जाता है एक्सीलरेशन। क्या होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ये होता है कि अगर आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन। तो व्हाट इज एक्सीलरेशन, चेंज इन द वेलोसिटी पर टाइम इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। ठीक है जी, देखते हैं, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। डन, चलिए देखेंगे कुछ यहाँ से हम फॉर्मूलों को। सबसे पहले देखिए आप एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है जी, वेलोसिटी होती है चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, और चेंज इन बोथ। आगे आपको समझ में, डन हो गया यहाँ तक, वी माइनस यू अपॉन में टी, ये बहुत हेल्प करते हैं एसएससी के अंदर। ठीक है, चेक देखते हैं, द काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन, द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव रहता है साइन, अगर नेगेटिव है मतलब अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं, और ग्रेविटी के साथ जा रहा है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यार कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरी है, तो ए जो होता है हम यहाँ पे प्लस में लेते हैं, और नीचे से ऊपर जा रही है, कूली ने कोई बैग उठाया, तो उस केस में हम ये क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। ठीक है, और मीटर पर सेकंड होती है इसकी भी स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है एक्सीलरेशन की एक यूनिट। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी यूनिफॉर्म। अगर वेलोसिटी जो है बिल्कुल या तो सेम बढ़ रही है या सेम कम हो रही है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो तो यूनिफॉर्म कहलाती है। लेकिन अगर जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, मान लीजिए किसी ने पांचवी मंजिल से छलांग मार ली, तो वो ये नहीं कि दूसरी मंजिल से आते आते वो रुक जाएगा या धीरे चलेगा, नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेट टाइम पे गिरेगा नीचे, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म। लेकिन अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए एक कार है, कभी उसकी स्पीड 10 हो रही है, कभी 15, कभी 20, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, आपका नॉन यूनिफॉर्म है। चलिए देखिए कुछ टर्म्स होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, इन्हें थ्री इक्वेशंस कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं आपको फॉर्मुलेस करवाऊंगा, बिल्कुल क्वेश्चंस करवाऊंगा। सॉरी, वी इज इक्वल्स टू ए यू प्लस ए टी,
फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। दूसरा देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सीलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। तीसरी देखिए, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे सब दे रखा है, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी है, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ए क्या है आपका एक्सीलरेशन है, टी क्या है आपका टाइम है। तो ये हैं तीन इक्वेशन, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आगे देखते हैं, ये तो इसमें आ गया, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो।